हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से एक नए मज़ेदार शानदार धमाकेदार ब्लॉग में। गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ का नज़ारा काफी ज्यादा खूबसूरत है, हद से ज्यादा खूबसूरत है। वो जगह गाइस आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ, आई होप आप सबको बहुत ज्यादा मस्त लगेगा। तो चलो गाइस बिना देरी करते मैं आप सबको दिखा देता हूँ मैं अभी कहाँ हूँ, ठीक है। आप लोग गेस करो, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा गेस करो, फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं कहाँ हूँ गाइस, आप देख सकते हो, ठीक है। यह है कोलाघाट का ब्रिज और यह है नदी, मैं बिल्कुल सामने ही हूँ और यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा मस्त है कि क्या ही बोलूँ। मतलब आज आने के बाद दिल खुश हो गया। तो मैं यहाँ का पानी का कुछ नज़ारा आप सबको दिखा देता हूँ, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है आप लोग देख सकते हो। ये इतना ज़्यादा औसम जगह है गाइस, आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ब्रिज के सामने वाला नदी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे एक नाव है, वो भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो गाइस, ये है नाव और इसके ऊपर जो है इंडिया का झंडा लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और ये है पूरा ब्रिज, ओवर ब्रिज, और यहाँ पे थोड़ा काम भी चल रहा है आप देख सकते हो। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है ये नदी, शायद रूपनारायण नदी है। पानी का आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। मैं सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखाया जाए एक ब्लॉग के जरिए। तो गाइस ये है नाव और यहाँ पे बंधा हुआ है आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं आया था घूमने के लिए, तो मुझे व्यू काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, मस्त लगा, इसलिए मैं सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आप सबको भी दिखाया जाए। ये है कोलाघाट का ब्रिज, आप देख सकते हैं पीछे ये वाला, और ये नदी है रूपनारायण नदी। यहाँ पे दो ट्रेन आप देख सकते हो, ठीक है। ये वो है, ये वो दूसरी साइड और एक ट्रेन जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो छोटा सा ब्लॉग था गाइस, आप सबको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर से यहाँ आना चाहोगे। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी कमाल की ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड लव यू ऑल।